अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम इतर के बारे में बात करेंगे। इतर के इस वीक में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि इस मंथ में ये कहाँ तक आ सकता है, कहाँ से बुलिश हो सकता है, मेजर लेवल्स और इसकी करंट प्राइस की बात करेंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में जो डिस्कस किया था वो डिटेल के साथ आपके साथ शेयर किया जाएगा। उससे पहले अगर आप ऑक्टाफेक्स ब्रोकर में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वाले लिंक को आप प्रेस करके न्यू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स ब्रोकर में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप हमारा VIP ग्रुप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम के लिंक्स पड़े हैं, आप उनको ज्वाइन करके फ्री सिग्नल का फ़ायदा उठा सकते हैं। फ्री सिग्नल की एक्यूरेसी की बात की जाए तो वो 70-75 प्लस है। अब हमारे सिग्नल को फॉलो करके अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि मेरी फॉरेक्स ट्रेडिंग में 2011 से फॉरेक्स ट्रेडिंग में मैं काम कर रहा हूँ और मुझे एक लंबा अरसा हो गया है। नीचे हमारा नंबर भी व्हाट्सएप का पड़ा है, आप मेरी टीम से या मुझसे बात करके आप रहनुमाई ले सकते हैं। कोई भी किसी किस्म का फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से आपको प्रॉब्लम हो, आप कोई भी बात करना चाहें कि आपको कौन सी करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उस हवाले से भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अभी मेरे सामने आपके सामने ये जो चार्ट है H4 ईथर वर्सेस USD ETH USD H4 टाइम फ्रेम, करंट प्राइस की बात की जाए तो वो 1755 है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़, बल्कि पिछली एक वीडियो वो आपके सामने आपको इसकी वॉइस सुनवाता हूँ कि उस वक्त इसकी वैल्यू की क्या थी, तो उस वक्त मैंने इसके बारे में क्या कहा, ये सारी मैं आपको, आप ये सुने कर सकते हैं क्योंकि मैंने अभी से किया हुआ है। ये बहुत अंडर प्राइस है, इस 1300-1400 डॉलर बहुत अंडर प्राइस है, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल तक का इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अभी से आप बाय कर लें, ठीक है। वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मैं आपको कुछ पिछली वीडियोस में बताता हूँ जिस पर मैंने ये, आप इसको सुने जरा, मैंने अभी से काटना नहीं, आई थिंक 3 माह और नहीं काटना, क्योंकि ईथर की जो ईथर जो इस वक्त इसकी प्राइस चल रही है वो 300 मीन के 275 डॉलर, ठीक है। तो इसने क्या करना है कि कम से कम ये 1000 डॉलर तक जाने वाला है, ठीक है। तो 1000 डॉलर तक जाने वाला, तो ये ओनली 2 ईथर मैंने बाय किए हुए हैं जिस अकाउंट में 50। अच्छा ये मैंने वीडियो जो है ना ये 8-9 माह पहले बनाई थी, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में दिखाता हूँ, यहाँ पर एक भाई ने उसका मजाक उड़ाया था कि इधर मैंने देखा था, यहाँ पर ये देखें, ये भाई थोड़ा सा हंस पड़े कि ईथर 1000 तक जाएगा तो ये देख लें, ठीक है, ये देखें। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है ना, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा आप अर्न कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें से अवेयर होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके साथ टच रहना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज फिर वो बहुत ज़्यादा लॉसेस भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर देखें, अभी इसकी प्राइस चल रही है 1765। इसके बारे में मैंने काफ़ी देर में, आप वीडियो में देख रहे होंगे, ने वाच किया होगा कि 200-250-300 डॉलर तक थी प्राइस उस वक्त तक एक वीडियो बनाई, फिर इसकी 1300 डॉलर पर इसकी प्राइस थी उस वक्त एक वीडियो बनाई और मैंने आपको कुछ क्लियर किया कि इसकी कुछ न्यूज़ हैं तो ये 2000 को टच कर सकता है। 2000 को इसके ने टच नहीं किया, लेकिन 1830-32-35 को टच कर दिया इसने, ठीक है। अगर 1300 से भी किसी ने बाय किया होता तो फिर भी 500 मीन के 1 लाख रुपया वो अभी तक प्रॉफिट ले चुका होता, मीन के डबल फंड अपना कर चुका होता, ये कुछ दिनों की बात है, ठीक है। अगर आप अभी से लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं कि आप किस चीज़ में इन्वेस्ट करें तो ईथर जो है ना
सबसे बड़ी और सबसे बेस्ट चीज़ है। ये वीडियो की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये मेरे खुद की टेक्निकल एनालिसिस है। हाँ, ये पॉसिबल है मैं इसके साथ टच हूँ कि नेक्स्ट 5 साल में ये $10,000 तक जा सकता है, $20,000 तक जा सकता है, ये पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप आज से, मैं इसकी प्राइस इतनी बड़ी नहीं है, $1,700-1,800 है, अगर आप एक भी बाय करते हैं तो आप अगले 5 सालों में कहीं से भी इतना अर्न नहीं कर पाएंगे जितना इससे बंदा कर लेगा। मीन के अगर कोई बंदा आज से 3 लाख इन्वेस्ट कर देता है तो कल को 5 साल में उसको रिटर्न कितना मिले, 15 लाख या 20 लाख, तो फिर ये इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है आई थिंक। तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि ये $1,000-$10,000 तक जा सकता है, और ये कोई मुश्किल नहीं है इसके लिए, ये बहुत इजी है। ठीक है, ये 1,500-1,550 तक भी दोबारा आने के चांसेस हैं इसके। ये देख लें यहाँ तक इसका लेवल है, 1,557 तक ये आने के चांसेस हैं। ठीक है, यहाँ से अगर आपको कोई मिले, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास $1,000 है, करंट प्राइस चल रही है $1,769, अगर आप अभी से जो इसकी प्राइस चल रही है उतना फंड इसमें डिपॉजिट, उतने डॉलर डिपॉजिट कर देते हैं, तो कभी भी आपका अकाउंट वॉश नहीं होगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि इथरनेस फ्री तो थोड़ा ही हो जाना है, तो कभी भी आपका अकाउंट जो है ना वो ज़ीरो नहीं होने वाला। आप इसमें इन्वेस्ट करें, अगर आप कम फंड से इन्वेस्ट करना चाहते हैं या पूरा बाय करना चाहते हैं, तो इसकी 0.010 की लॉट से, ये इसकी माइक्रो मिनी लॉट से आप इसको पूरा बाय कर सकते हैं, 0.010 की लॉट से एक ईथर की ये वैल्यू है। अगर आप कम 0.05 से, तो वो आपका हाफ ईथर हो जाएगा, जिस तरह से आपके पास फंड है, जितना फंड है। अगर आप हमसे कोई डिस्कस करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का है, 03464070730, व्हाट्सएप का हमारा नंबर है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप हमसे कोई भी बात कर सकते हैं। तो अगर आप देखें लॉन्ग टर्म के लिए, 5 साल के लिए, कुछ चंद चीज़ें हैं जिन्होंने हमेशा के लिए ही आगे रहना है, जिसमें सबसे पहले क्रिप्टो, और उसके बाद गोल्ड, और थर्ड में है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए बंदे के पास बहुत ज़्यादा फंड होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास फंड कम भी है तो भी आप, क्योंकि यहाँ पे लीवरेज है ना, लीवरेज से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप, मेरी माने तो आप इसको बाय करें, ज़रूर से लें। अगर आप इसका अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक रखा होगा, उस वीडियो को आप वॉच करें कि अकाउंट को मेक किस तरह से करते हैं, अकाउंट को बनाते किस तरह से हैं। अकाउंट बना लें, उसके बाद आप पाकिस्तान के लोकल बैंक से इसमें फ़ंड डिपॉजिट कर सकते हैं, और लोकल बैंक से विड्रा ले सकते हैं। हाँ, यहाँ तक कि इसमें जायज़ कैश इजी पैसा से भी आप फ़ंड डिपॉजिट कर सकते हैं, और बिल्कुल सिक्योर, 100% की सिक्योर है, इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि हाँ कोई आपका वॉलेट शॉलेट वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि ऑक्टाफिक्स ब्रोकर में आपका अकाउंट ओपन होगा, तो आप इसमें सेफ तरीके से के साथ इसकी लेन देन भी कर सकते हैं। अगर आप कोई अदर करेंसीज पर भी लेन देन करना चाहे, तो आप इसमें वो भी कर सकते हैं। इसका ये होता है कि हाँ, एक अकाउंट में हमने इथर बाय कर दिया, उसको MT4 से डिलीट कर दिया, जब वो क्योंकि मैंने ऐसे किया हुआ ना, जिन अकाउंट से मैंने बाय किया हुआ है, उन अकाउंट को मैंने अपने मोबाइल या अपने PC से रिमूव किया हुआ है, डिलीट किया हुआ है। ठीक है, पड़े हैं इन्वेस्ट, जब कभी दौर आएगा जीते रहे तो उनको दोबारा से उसका पासवर्ड रिकवर करके उसकी वो विड्रॉ ले लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। चलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इथर अभी भी अंडर प्राइस है, 5 साल के लिए अगर बाय करना चाहते हैं मेरे भाई, हकीकत माने अभी भी अंडर प्राइस है। ठीक है, बहुत थोड़ी कीमत है इसकी।